कि जैसे हम पहले करते थे वैसे हम आज भी इनका ख्याल रखते हैं। पूरा सुबह का टाइम होता है इनके फीड का, तो वो डालते हैं। और ख़ासकर आजकल ये है वायरस का दौर चल रहा है, तो इसलिए हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि ये भी ठीक रहने चाहिए। अपना भी ख्याल रखते हैं, हमारे अफसर साहबान भी, हम भी अपने ये ड्रेस पहन कर पूरी अच्छी तरीके से इनका ख्याल रखते हैं, इनकी रूटीन ना टूट जाए। खुराक हर एक जानवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही हम ये हमारा यहाँ रेस्क्यू सेंटर है, जैसे ही यहाँ कोई रिहैबिलिटेशन के लिए जानवर आता है तो उसका खुराक हम डिज़ाइन करते हैं एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ इस वक्त रिहैबिलिटेशन सेंटर में 3 लेपर्ड्स हैं। इनका डाइट हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करा है एज़ पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानवर की सेहत के लिए। ये जंगली जानवरों का सेहत हम इस तरह मॉनिटर करते हैं कि ये जानवर कैसे खाता है, इसके खुराक का खाने का स्टाइल कैसा है, ये जितना हम इसको खुराक देते हैं ये क्या ये लेता है बराबर। अगर ये नहीं लेता है तो हमें अंदाज़ा लगता है कि जानवर की सेहत में कुछ ख़राबी है। जानवर चलता कैसे है, जानवर यूरिनेशन डेफिकेशन वगैरह बराबर करता है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जंगली जानवरों के सेहत के को देखने के, जज करने के लिए एक वेटनेरियन के लिए।